वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जो है अपनी प्रीमियर क्लासेस जनरल साइंस की पढ़ रहे थे, जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, DSSSB, साथ के साथ जितने भी आपके टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं जैसे CTET, KVS, NVS वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लासेस रहेगी। और इस क्लास में हम लोग जो है रेस्पिरेशन अपना टॉपिक पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग जो है रेस्पिरेशन टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है डील करेंगे। 70+ क्वेश्चन जो है हम लोग आज की क्लास में जो है कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ के साथ अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और नोट्स वगैरह के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच कैनॉट सर्वाइव इन वाटर बिकॉज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज। तो आपको बताना है कॉकरोच जो है वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकता है क्योंकि उसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो इस फॉलोइंग में से होता है, गिल्स होते हैं, ट्रेचिया होगा, बुक लंग होगा या प्लूमनरी सैक होगा। तो देखिए अगर किसी बच्चे ने पिछली क्लास अगर अटेंड की होगी या वो लेक्चर देखा होगा तो वो इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो है वो ट्रेचिया होगा। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, ट्रेचिया जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं कॉकरोच वगैरह के अंदर, जिसके अंदर जो है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का थ्रू ट्रेचिया ही आपका एक्सचेंज होता है और एयर सैक के अंदर जो है ये जाके पूरी बॉडी में मिक्स हो जाता है। और इसमें आपके जो है छोटे छोटे स्पेस होते हैं जिनको हम लोग जो है स्पायरिकल्स कहते हैं, तो इसके थ्रू ही आपका जो है कॉकरोच रेस्पिरेशन करता है। चलिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ। एरेथ्रोसाइट की हेल्प से होगा, थ्रोम्बोसाइट की हेल्प से होगा, लिम्फोसाइट्स की हेल्प से होगा या ल्यूकोसाइट की हेल्प से होगा। तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो RBC के अंदर होता है। RBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन एरेथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो एरेथ्रोसाइट्स होता है ये जो है RBC का ही आपका साइंटिफिक नेम है। इसी तरीके से थ्रोम्बोसाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, यानी कि ब्लड की जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या है आपकी थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ब्लड प्लेटलेट्स हम इसको कहेंगे। इसी तरीके से देखिए लिम्फोसाइट जो होती है आपकी, लिम्फोसाइट ये B और T लिम्फोसाइट की टाइप होती है जो कि आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। B एंटीजन और T एंटीजन, यानी कि B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट एज ए एंटीजन की तरह काम करती है। इसी तरीके से जो आपकी ल्यूकोसाइट्स होती हैं ये आपको बताना चाहिए, ये जो हमारी WBC होती है जो कि सोल्जर ऑफ द बॉडी हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड के अंदर किसकी हेल्प से होगी, तो RBC के अंदर ये पिगमेंट होता है तो एरेथ्रोसाइट्स की वजह से होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। एयर ब्लैडर इन फिश एक्ट एज, तो जो एयर ब्लैडर होता है जो फिश में वो किसकी तरह वर्क करता है, किसकी तरह एक्ट करता है, तो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की तरह काम करता है, या बोथ एसेसरी रेस्पिरेटरी की तरह काम करता है या प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना चाहिए जो एयर ब्लैडर जो कि आपका फिश के अंदर जो कि प्रेजेंट होता है, इट एक्ट एज ए हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की तरह ये जो है काम करता है। तो हाइड्रोस्टैटिक क्या करता है, ये जो फिश होती है उसको वाटर के अंदर फ्लोट करते समय, फिश को वाटर के अंदर फ्लोट करते समय ना फिश ज़्यादा ऊपर फ्लोट करती है यानी कि वाटर के ऊपर भी नहीं जाएगी और वाटर के बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगी, तो स्विमिंग करने में जो है हेल्प करता है। इसके अलावा फिंस भी जो है फिश को वाटर के अंदर जो है स्विम करने में हेल्प करती है। बट आपको याद रखना चाहिए हमारे जो एयर ब्लैडर होता है ये भी फिश को जो है एक तरीके से हाइड्रोस्टैटिक जो पोजीशन होती है वाटर के अंदर उसको बनाए रखता है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 का भी बी होगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एन एवरेज व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ह्यूमन बॉडी में ऑन एन एवरेज जो है कितना ऑक्सीजन का जो है एलिमेंट होता है या कितनी क्वांटिटी ऑक्सीजन की होती है। तो हमारी बॉडी में लगभग 60-65% जो है एज एन एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो फोर्थ का भी आपका आंसर नंबर ए होगा, यानी कि फोर्थ का आंसर ए इज़ करेक्ट। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर। तो देखिए रेस्पिरेशन प्रोसेस को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ आपको ऑप्शन दिए हैं, हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, वाटर की होगी या सनलाइट की होगी। तो देखिए आपको पता है रेस्पिरेशन होने के लिए जो है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो आपका जो फिफ्थ का आंसर होगा वो बी आपका जो है आंसर होगा, जिसमें कि आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा है, रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, रिडक्शन है, हाइड्रोलाइसिस है या एनिमेशन है, तो रेस्पिरेशन इज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो 5 का आपका आंसर बी और 6 का आपका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा इज एसोसिएटेड
विद ए डिसीज डैट इफेक्ट द ऑर्गन ऑफ, तो किसका जो है ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, रेस्पिरेशन को, एक्सक्रिएशन को, रिप्रोडक्शन को या डाइजेशन को। तो देखिए पहले क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए जो माइकोप्लाज्मा होता है उसी को हम लोग जो है PPLO सेल भी कहते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ाया था PPLO जो होता है आपका, मैंने पूरा जो है सेल चैप्टर में आपको PPLO सेल पढ़ाया था, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनियम, जिसका साइज 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर होता है। और ये जो है आपका एक बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है जो कि बिना ऑक्सीजन के जो है सर्वाइव कर सकता है। तो अब आपको जो है डिटेल में काफ़ी पता लग गया होगा कि ये बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन ये रह सकता है। तो माइकोप्लाज्मा जो है किस डिसीज़ में जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो ये जो है आपका रेस्पिरेशन डिसीज़ में जो है सबसे ज़्यादा जो है ह्यूमन को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैंने नाम बताया अभी प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनियम। तो यहाँ पे निमोनिया वर्ड जो है वो रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो निमोनिया होता है। हालांकि हम लोग इसमें अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में, तब मैं वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा स्टूडेंट। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, लंग्स आर प्राइमरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, कंसिपेशन, रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन। तो देखिए 8 तो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर जो आपका डी आंसर होगा आपका 8 का। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें आपको जो है ह्यूमन हार्ट शो किया हुआ है, साथ ही साथ आपको जो है लंग्स की पोजीशन भी दिखाई हुई है। देखिए जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है हमारे ट्रेचिया का, उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट में आपका जो है एपिग्लोटिस होता है, जिसको क्लोज और बंद करने का काम जो है ग्लोटी करेगी। इसी तरीके से लैरिंग्स होगा जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहेंगे, ट्रेचिया होगा जिसमें सी टाइप ऑफ रिंग कार्टिलेज आपकी प्रेजेंट होगी, ये जो है लंग्स है आपके, और लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग जो है प्लूरल मेम्ब्रान जो है कहते हैं, और लंग्स के अंदर जो है ब्रोंचस में डिवाइड होगा, लेफ्ट और राइट ब्रोंचस फाइनली टर्मिनेट होके ब्रोंचियोल्स, और इसका जो बिल्कुल बैलून लाइक स्ट्रक्चर जब बनेगा तो उसको हम लोग जो है एलिवियोलीज कहेंगे। बाकी आपको ये भी याद रखना है हमारी जो प्लूरल मेम्ब्रान होती है इसमें आपका जो है लिक्विड फिल किया होता है, लिक्विड भरा होता है, जो कि हमारे लंग को जो हम लोग रेस्पायर कर रहे होते हैं तो उसको जो है फ्रिक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि उसको जो है इफेक्ट जो है फ्रिक्शन पे कम करता है। तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखना आपको हमारे जो लंग्स होते हैं वो डबल लेयर प्लूरा मेम्ब्रान से भरे होते हैं जिसके अंदर एक लिक्विड होता है, ये लिक्विड हमारे लंग सरफेस पे पड़ने वाले फ्रिक्शन को ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कम करता है। और इसी तरीके से यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है आपका जो है हमारे लंग्स के जस्ट नीचे की तरफ जो है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको हम लोग जो है डायफ्राम कहते हैं, ये भी आपका जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो ये मैं आपको पूरी पिछली क्लास में डिटेल में बता चुका हूँ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, एरोबिक रेस्पिरेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एरोबिक रेस्पिरेशन इनमें से जो है किसको जो है फॉलो करता है, तो रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन विद ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड और रेस्पिरेशन विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए हमने पढ़ाया था और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन ही यहाँ पे आपका आंसर होगा, यानी कि 9th का जो आपका आंसर होगा वो आपका जो है क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 9th का ये रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन को ये हम लोग जो है सिंपली आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं। इसी तरीके से देखिए प्रेस्पिराइन इज यूज, तो यहाँ पे देखिए प्रेस्पिराइन जो होती है ये एक दवाई होती है, इसका हम लोग जो है किस में यूज़ करते हैं, तो इसका देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर व्हेन इट इज़ लो, एलिवेट पेन और क्योर आर्थ्रोसिस, यानी कि आर्थ्रोसिस को कम करने में हम इसका जो है यूज़ करते हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो हमारा प्रेस्पिराइन जो ड्रग्स है वो जो है आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को जो है रिड्यूस करने में यूज़ होता है, यानी कि इट रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर टू लो ब्लड प्रेशर, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की क्वांटिटी को लो ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसका जो बीपी की जो वैल्यू है उसको धीरे धीरे घटा देता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग बींग्स हैज़ रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट डज नॉट हैव ब्रेन, यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा जो है ऑर्गेनियम है जिसमें एक आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो है बट उसमें जो है ब्रेन नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में जो है इसको पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्रैब ऑप्शन में स्टार फिश, ब्लड शकर या सिल्वर फिश, तो 11th का आपका जो आंसर होना चाहिए वैसे आपको पता होगा जो हमारी सिल्वर फिश होती है उसमें जो है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो प्रेजेंट है बट आपका जो है ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसी को हम लोग जो है इसको आपका जो स्टार फिश है इसको हम लोग जो है इक्नोडर्मेटा ग्रुप के अंदर भी रखते हैं, यानी कि इसका जो फाइलम होता है
वो एस्टेडी ग्रुप यानी कि इक्नोडर्मेटा ग्रुप होता है। और ये जो है याद रखना आपको, इट इज़ नॉट ए ट्रू फिश, ये जो है आपकी कोई फिश नहीं है, इक्नोडर्मेटा ग्रुप के अंदर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। जब हम लोग ये पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे आपको इसको पूरा बताऊंगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईसीजी इज यूज टू डिटेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ, तो ईसीजी जो है वो किसके फंक्शनिंग को डिटेक्ट करने में यूज होता है, हार्ट, लंग, किडनी या ब्रेन। तो आपको पता होना चाहिए जो ईसीजी होता है ये जो है आपके हार्ट यानी कि हार्ट के जो बीट्स होते हैं, ठीक है, उसको वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, आर्टरी वेंस ठीक तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही, तो उसको पता करने के लिए हम लोग जो है ईसीजी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है हार्ट होगा। और ईसीजी के अंदर आपको पता होना चाहिए 60 to 100 बीट्स पर मिनट जो है आपका रीडिंग जो है वो नॉर्मल रीडिंग मानी जाती है, या कई बार 82 बीट्स पर मिनट को भी नॉर्मल रीडिंग माना जाता है। तो याद रखना है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हम लोग इसको बोलते हैं, और ये जो है हार्ट की जो बीट होती है यानी कि हार्ट का, ठीक है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए, अगर उससे कम है उससे ज़्यादा है तो हार्ट में कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यह आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द हार्ट अटैक अकर ड्यू टू, तो हार्ट अटैक इनमें से जो है किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियल अटैक ऑन द हार्ट की वजह से होता है, स्टॉपिंग ऑफ द हार्ट बीट की वजह से होता है, या लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इटसेल्फ, या इम्पेडमेंट ऑफ हार्ट वर्किंग ड्यू टू अननोन रीजन। तो आपको देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके जो है काफ़ी एग्जाम्स में इसको पूछा हुआ है। तो इसमें से कौन सा जो मेन रीजन होगा आपका हार्ट अटैक का होगा, तो आपको पता होना चाहिए जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें जो हार्ट अटैक का जो मेन रीजन होता है लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई टू हार्ट इटसेल्फ, यानी कि हार्ट को खुद को जब ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती है कोरोनरी आर्टरी से, जब हार्ट की सप्लाई नहीं मिलेगी तो हार्ट अटैक होने का जो है चांस बढ़ जाता है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसी तरीके से देखिए वाइट लंग डिसीज़, जिसको हम लोग जो है कई बार एस्टियोसिस डिसीज़ भी कहते हैं, इज़ प्रिवेंट अमोंग द वर्कर, मतलब किस टाइप के वर्कर में जो है ज़्यादातर पाया जाता है। तो आपको बताना चाहिए जो वाइट लंग डिसीज होता है इज़ ए प्रिवेंट अमोंग द वर्कर, तो किस टाइप के वर्कर में जो है ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है डी आंसर होगा, 14th का डी, यानी कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में जो लोग वर्क करते हैं उनको जो है वाइट लंग डिसीज़, जिसको मैंने अभी बताया एस्टीबियोसिस जो आपका डिसीज है वो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो 14 का डी आंसर होगा। इसी तरीके से द मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ लंग्स, देखिए तो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया, तो आपका ऑप्शन है प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम या मीजोथेलियम। तो आपका जो है 15 का भी आंसर नंबर ए ही करेक्ट होगा, यानी कि 15 का भी आपका ए आंसर करेक्ट होगा, यानी कि आपका जो प्लूरा होता है वही आपकी जो है मेम्ब्रेन होती है लंग्स की। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबैको स्मोक इज इंजरियस टू हेल्थ बिकॉज इट कंटेन, तो देखिए तंबाकू का जो स्मोक होता है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरनाक होता है। आपके ऑप्शन है आपको इसमें बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, निकोटीन की वजह से, या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की वजह से, या मेलाटीन की वजह से। तो देखिए क्वेश्चन जब SSC में आया था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, तो काफ़ी बच्चे जो है इसका आंसर जो है निकोटीन लगा के आए थे, जबकि इस क्वेश्चन का आपका जो मेन रीज़न होगा जो तंबाकू का जो स्मोकिंग होती है वो हमारी हेल्थ के लिए जो काफ़ी नुकसानदायक होती है उसका रीज़न आपका होगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से ऐसा होता है। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए हमारी जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसकी इफिशेंसी ऑक्सीजन से बाइंड करने की 200 टाइम ज़्यादा होती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी ऑक्सीजन से बाइंड होगा और इस केस में आदमी जो है वो बेहोश भी हो जाता है। अगर लंबे समय तक वो बेहोश रहेगा तो जो है बहुत ज़्यादा नुकसान जो है उसको हो सकता है, इवन जो है व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह से आपका जो है 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से ड्यूरिंग हाइबरनेशन स्टेट फ्रॉग रेस्पायर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से किससे जो है फ्रॉग आपके जो है रेस्पायर करेंगे, ओनली हार्ट से रेस्पायर करेंगे, ओनली लंग से, ओनली स्किन से, या बोथ लंग एंड स्किन। तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं हाइबरनेशन स्टेट क्या होती है। मान लीजिए कोई भी फ्रॉग है, ठीक है, अगर उसको कुछ समय तक खाना नहीं मिल रहा है या उसके लिए कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन इस तरह से चेंज हो रही है कि वो जो है उसमें सर्वाइव कर पाना उसके लिए जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इस केस में जो है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन स्लीप के लिए चले जाते हैं, जिसको हम लोग कई बार हाइबरनेशन स्टेट कहते हैं। और इस स्टेट में आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बिना खाए पिए कई महीनों तक जो है एक तरीके से सो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कुंभकर्ण की जो नींद है वो एक तरीके से हाइबरनेशन स्टेट में वो चला जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम क्वेश्चन में बात करेंगे, जो हाइबरनेशन स्टेट है
उसमें से आपका जो फ्रॉग है वो किससे जो है सांस लेगा। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर बच्चे इसमें जो आंसर लगाते हैं वो आंसर नंबर डी को अप्लाई करते हैं, यानी कि लंग्स और स्किन से जो है वो सांस लेते हैं। बट यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर सी करेक्ट होगा, ओनली स्किन से ये सांस ले सकते हैं उस समय, यानी कि हाइबरनेशन स्टेट में फ्रॉग जो है ओनली स्किन से सांस लेगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्युमुलेटेड इन द मसल्स आफ्टर कंटिन्यूस स्ट्रेनियस फिजिकल एक्सरसाइज एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्प्रोरी एनारोबिक रेस्पिरेशन डेट कॉजेज मस्कुलर फैटिगू। देखिए पिछले क्लास में डिस्कस किया था, अगर हम लोग लगातार कोई जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिससे आपका जो है मस्कुलर फैटिगू या हम लोग जिसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं क्रैम्प्स वगैरह आएंगे, तो उसका जो मेन रीज़न होगा उसमें से आपको बताना है एटीपी फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड होगा, इथाइल अल्कोहल होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो देखिए 18 का जो आपका आंसर होगा वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो 18 का आंसर होगा वो आपका जो है बी करेक्ट होगा, इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा, लैक्टिक एसिड ही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट के अंदर जो है अगर खिलाड़ी काफ़ी लंबे समय तक अगर ग्राउंड के ऊपर दौड़ रहा है, खेल रहा है, तो उनमें जो है मसल क्रैम्प्स वगैरह देखने को मिलते हैं, या फुटबॉल वगैरह में भी आप देखते होंगे, तो वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से होता है। इसी तरीके से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, वोकल कॉर्ड इन वुमेन आर देन वोकल कॉर्ड इन मैन, यानी कि जो वोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वुमेन में वो मैन के कंपैरिजन में कितनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 5 मिलीमीटर शॉर्टर है, या 15 मिलीमीटर शॉर्टर है, या 5 मिलीमीटर लॉन्गर है, या 15 मिलीमीटर लॉन्गर है। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर करते हैं ठीक है तो जो है एग्ज़ाम्स में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी इस टाइप का क्वेश्चन जब पूछा जाएगा मैन या वुमेन के लिए, तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो वुमेन्स में जो वोकल कॉर्ड होता है वो शॉर्टर होता है, तो कितना होता है ये शॉर्टर, 5 मिलीमीटर शॉर्टर होता है। तो 19th का आपका जो है आंसर नंबर ए ही करेक्ट होगा। इसी तरीके से देखिए इन ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस बाय, तो ह्यूमन के अंदर जो है किससे जो है साउंड प्रोड्यूस की जाती है, ओजियोफेगस से, लैरिंग से, मेडुला या एपिग्लोटिस। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी इजी ऑप्शन दिए हैं, आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। तो ह्यूमन में जो साउंड है वो लैरिंग्स की वजह से ही प्रोड्यूस की जाती है, यानी कि लैरिंग्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वोकल कॉर्ड इन मैन आर अबाउट दिस मिलीमीटर लॉन्ग, यानी कितना लॉन्ग होता है। तो देखिए अभी मैंने आपको जो है एक क्वेश्चन अभी ऊपर आपको बताया, तो ह्यूमन में जो आपका वोकल कॉर्ड होता है वो 5 मिलीमीटर शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे आप अगर आप आंसर करना चाहेंगे तो मैन में जो है वोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, तो ये जो है आपकी 20 मिलीमीटर होती है। तो वुमेन में अगर पूछा जाए वोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, तो 5 मिलीमीटर हम कम कर देंगे, तो वहाँ पे हम जो है 15 मिलीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वोकल कॉर्ड इन मैन आर अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग आपका जो है आंसर होगा, यानी कि यही आपका जो है 21 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेल डज द पाइरूविक एसिड इज ब्रोक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, यानी कि इसमें से किस पार्ट ऑफ द सेल के अंदर, यानी कि सेल के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है तो पाइरूविक एसिड ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी जो है यील्ड करता है। तो साइटोप्लाज्म में ऐसा होगा, न्यूक्लियस में ऐसा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में। तो आपको जो है इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है बताना है। तो आपको पता होना चाहिए पाइरूविक एसिड जब कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी मिलती है, जिसमें 38 ATP एनर्जी आपकी रिलीज होती है। तो ऐसा किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसी तरीके से देखिए, जस्ट बोर्न बेबी हैज़ रेस्पिरेटरी रेट, तो जस्ट बोर्न बेबी में आपसे जो है रेस्पिरेटरी रेट पूछा है 32 मिनट्स टाइम, या 32 टाइम्स पर मिनट, 26 टाइम पर मिनट, या आपको जो है 18 टाइम पर मिनट, या आपका जो है ऑप्शन नंबर डी 15 टाइम पर मिनट। तो आपको जो है इसमें से कोई एक ऑप्शन जो है आपको बताने, यानी कि जस्ट बोर्न बेबी में रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो जस्ट बोर्न बेबी होता है उसमें थोड़ी सी रेस्पिरेटरी रेट एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन ज़्यादा होती है। ह्यूमन में जनरली आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 16 to 18 टाइम पर मिनट होती है, बट जस्ट बोर्न बेबी में आपकी जो है 32 टाइम्स पर मिनट होती है। बट आपको याद रखना है ये वैल्यू जो आपकी 30 to 60 की रेंज में भी जा सकती है, यानी कि 30 से लेके 60 टाइम्स पर मिनट ये हो सकता है, यानी कि इतनी वैल्यू भी जो है पर मिनट में आपकी जा सकती है, यानी कि 30 से 60 की रीडिंग भी जो है आ सकती है। बट अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो 32 टाइम्स पर मिनट ही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। हाउ मैनी वोकल कॉर्ड इन द ह्यूमन वॉइस बॉक्स हैव,
तो ह्यूमन वॉइस बॉक्स में जो है कितनी वोकल कॉर्ड होती है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा वोकल कॉर्ड का डायग्राम, तो आपको पता होना चाहिए वोकल कॉर्ड के अंदर जो है वॉइस बॉक्स के अंदर जो नंबर ऑफ वोकल कॉर्ड होती है वो जो है आपकी 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जिसके अंदर जो है एक आपका जो है स्मॉल स्पेस आपके जो है होते हैं, जिससे आपका जो है लंग से जब एयर आती है तो प्रेशर अप्लाई करने से आपका जो है साउंड वहाँ पे जो है प्रोड्यूस होती है। तो नंबर ऑफ वोकल कॉर्ड जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है 2 होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है हमारी बॉडी में वो बॉडी के अंदर या हमारे जो है ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है उसको कंट्रोल करता है। तो ग्लूमरस, एंथोडियम, पोडोसाइट्स या पोन्स, जिसको हम लोग मेडुला ओब्लोंगेटा कहते हैं, या बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो देखिए 25th क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा ये आपका आंसर होगा पोन्स, यानी कि मेडुला ओब्लोंगेटा का जो है पार्ट, जिसको हम लोग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है कंट्रोल करता है। तो इसको कई बार हम लोग सिंपली पोन्स या पोन्स मेडुला ओब्लोंगेटा भी कहते हैं। इसी तरीके से द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ मेड ऑफ, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ मेड ऑफ ट्रेचिया, द लंग्स एंड द, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस किस से मिलकर बना है। तो लीवर है, डायफ्राम है, एजियोफेगस है, पेनिक्रियाज। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ही आपको जो है काफ़ी इजी आपको प्रोवाइड किए गए, तो हम इसको जो है आसानी से कर सकते हैं। 26 का बी ऑप्शन होगा आपका, जिसमें हम लोग जो है डायफ्राम, यानी कि ट्रेचिया, लंग्स और डायफ्राम आपके जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। चलिए तो 27 क्वेश्चन है, ओपनिंग टू द ट्रेचिया इज कवर बाय ए स्मॉल फ्लैप ऑफ टिश्यू टर्म्ड एज, यानी कि जो ट्रेचिया होती है उसकी जो ओपनिंग होती है वो स्मॉल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर या टिश्यू से कवर होती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ग्लोटिस कहेंगे, ट्रेचिया कहेंगे, एपिग्लोटिस कहेंगे और लैरेंक्स कहेंगे। तो देखिए अभी एक डायग्राम आपको दिखाया था कुछ समय पहले, तो उसका जो आपका आंसर होगा वो एपिग्लोटिस ही करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 27 का एपिग्लोटिस, जो कि आपका जो है ट्रेचिया के ऊपर एक ओपनिंग होती है, यानी कि ट्रेचिया की ओपनिंग जो है आपका एपिग्लोटिस होगी। इसी तरीके से देखिए द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द लंग्स बाय फुल फोर्स इनहेलेशन, यानी कि कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग कंटेन करते हैं जब लंग्स को हम लोग जो है फुल फोर्स इनहेलेशन करेंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम कहेंगे, या लंग्स टोटल लंग्स कैपेसिटी कहेंगे, या इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हम इसको कहेंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस केस में जब हम लोग जो है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जब हम लोग कंटेन कर रहे हैं लंग्स के अंदर फुल फोर्स एक्सपिरेशन में, तो हम लोग जो है इसको टोटल लंग्स कैपेसिटी कहेंगे। तो एक बार देखिए जितने टर्म्स यहाँ पे यूज हुए, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इनको हम लोग जो है एक बार डिटेल में देख लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जो है उसको आसानी से कर सको। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और उसकी कैपेसिटी के बारे में आपको बताया, जैसे सबसे पहला होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर इनटेक ड्यूरिंग द टाइप ऑफ सॉरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्वाइट रेस्पिरेशन, यानी कि जब हम लोग जो है क्वाइट रेस्पिरेशन बड़े आराम से रेस्पिरेशन कर रहे होंगे तो कितनी वॉल्यूम हम लोग इनटेक करेंगे उसको हम लोग जो है टाइडल वॉल्यूम या टीवी कहेंगे, जो कि आपकी जो है 500 ml होती है। इसी तरीके से आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम लोग IRV भी कहते हैं, इस केस में जब हम लोग फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हैं तो आपका जो है 2500 से लेके 3000 ml जो है एयर हम लोग जो है फोर्सफुल ब्रीथिंग में लेते हैं, तो इसको हम लोग जो है IRV कहते हैं। इसी तरीके से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, फुल फोर्स एक्सपिरेशन जब हम लोग एयर का करेंगे तो आपका जो है ERV वैल्यू होगी, जो कि आपकी 1000 से 1100 ml, यानी 1100 ml आपकी एयर हम लोग एक्सपायरेशन करेंगे। इसी तरीके से रेजिडुअल वॉल्यूम रिमेन इनसाइड द लंग इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, यानी कि जब हम अपने लंग्स में से सारी की सारी एयर को बाहर निकाल देते हैं तो कितनी जो है लंग्स के अंदर जो है आपकी एयर बची रहेगी, यानी कि रिमेन एयर इनसाइड द लंग इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन, तो ये आपकी जो है 1200 to 1500 ml आपकी जो है रेजिडुअल वॉल्यूम या RV आपकी होगी। इसी तरीके से आपकी टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि यहाँ का क्वेश्चन था आपका, तो टोटल लंग कैपेसिटी में आपका टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को मिला के हम लोग जो है इसको TLC कहते हैं, यानी कि टोटल लंग्स कैपेसिटी, तो ये आपकी जो है लगभग 6000 ml होती है। इसी तरीके से आपको जो है एक डेड एयर भी आपको याद रखना है, डेड एयर क्या होती है, जिसको हम लोग कई बार डेड एंटोमिकल स्पेस भी कहते हैं, वो एयर जो जो है पार्टिसिपेशन ही नहीं करती है एक्सचेंज ऑफ
गैसेस में, उसको हम लोग जो है डेड एयर या डेड एटोनॉमिकल स्पेस कहते हैं, जिसको हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर लगभग 350 ml जो है आपका डेड एयर होती है, और हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के अंदर लगभग आपका जो है 150 ml रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होती है। तो हम कह सकते हैं टोटल 500 ml जो वॉल्यूम होती है आपकी वो डेड एयर होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में जो है इसको पूछा हुआ है, तो आपको जो है ये सारे के सारे याद रखने हैं। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे इज ऑल्सो टर्म्ड एज, तो इसको जो है हम किस टाइप का पाथवे कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। एरोबिक जो पाथवे होता है इसको जो है काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ज़्यादातर बच्चे जो है इसका गलत आंसर करके आते हैं। वो जो है एरोबिक पाथवे को, ठीक है, यहाँ पे जो है जनरली हम लोग जो है एनाबोलिक या कैटाबोलिक में डिवाइड करते हैं, बट आपको याद रखना है एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ ए एम्फियोबोलिक पाथवे होता है, यानी कि एम्फोबोलिक पाथवे को ही हम लोग जो है एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे कहते हैं। इसके अंदर आपका जो है कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों को ही मिला के इसको बनाया जाता है। याद रखना है आपको साथ के साथ ग्लाइकोलोसिस और TCA साइकिल के अंदर जो है एम्फाबोलिक पाथवे आपका होता है। तो 29 का आपका आंसर जो है डी करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से देखिए 30 क्वेश्चन, ब्रोंची ब्रांच इनटू स्मॉल ट्यूबल्स ऑफ स्मॉल डायमीटर लेस देन 1 मिलीमीटर के जो आपके होते हैं, इनको हम लोग जो है क्या कहते हैं। तो ब्रोंची की जो ब्रांचेस होती है जो कि डायमीटर में 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, इसको हम माइक्रोट्रेची कहेंगे, ब्रोंचियोल्स कहेंगे, एलिवियोली या स्टूशन आपका ट्यूब्स हम इसको कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो ब्रोंचियोल्स आपका जो है आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट है, यानी कि ब्रोंचियोल्स होता है। इसी तरीके से स्टूशन ट्यूब जो है हमारे ईयर से निकलती है और हमारे ईयर का जो है प्रेशर मेंटेन करती है। एलिवियोली जो है लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज में जो है रोल प्ले करती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें आपको जो है पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट डेट मेजर द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सहेल विद ब्रीथिंग, यानी कि उस डिवाइस का नाम बताना है जो कि आपका जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे उसके मेजरमेंट को करने में, ब्रेथ के मेजरमेंट को करने में यूज़ होता है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे आपको गिवन है स्पाइगोमैनोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्थेथोस्कोप या स्पायरोमीटर। तो देखिए काफ़ी अच्छा जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनाया, नेम द इंस्ट्रूमेंट डेट मेजर द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल, तो इसको हम लोग जो है स्पायरोमीटर के थ्रू हम लोग जो है इसको मेजर। देखिए 31 का आपका जो आंसर नंबर डी करेक्ट होगा, स्पायरोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से स्थेथोस्कोप से हम लोग जो है अपने हार्ट बीट वगैरह को सुन सकते हैं या लंग्स की साउंड को सुन सकते हैं। स्फाइगोमैनोमीटर से हम लोग जो है ब्लड का प्रेशर जो है मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से हाइग्रोमीटर मैं आपको आगे बताऊंगा, इसका यूज़ करके हम लोग जो है एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी लेवल है उसको मेजर कर सकते हैं। देखिए 32 क्वेश्चन आपका, इप्साइसीमा ए क्रोनिक डिसऑर्डर इज हाई इन सिगरेट स्मोकर्स, जो कि सिगरेट स्मोकर्स को ज़्यादा ये डिसीज होता है इप्साइसीमा। याद रखना है आपको काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। इन सच केस डैश ऑफ द पर्सन इज फाउंड डैमेज, यानी कि उस पर्सन का जो है कौन सा ऑर्गन इसमें से डैमेज होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी या एलिवियल वॉल डेवलप आपकी डैमेज हो जाएगी, ब्रोंचिस डेवलप होगी आपकी जो है डैमेज होगी, या रेस्पिरेटरी मसल्स को जो है नुकसान होगा। तो याद रखना आपको इप्साइसीमा के जो कि आपका जो है सिगरेट पीने से होने वाला एक डिसीज है, इसमें आपकी जो एलिवियोलर वॉल्स होती है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पे आपको जो है 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर एलिवियोलर वॉल्स होगा, और ये क्वेश्चन में आपको जो है काफ़ी डाउट्स आपको जो है इसमें रह सकता है, बट मैं आपको जो है करेक्ट बिल्कुल श्योर आंसर आपको बता रहा हूँ, एलिवियोलर वॉल्स ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहे तो इसको जो है NCERT क्लास 11th की बुक से उठा के देख सकते हैं, बिल्कुल फुल प्रूफ आपको आंसर बता रहा हूँ। बल्कि कई साइट्स पे तो इसका आंसर जो है ब्रोंचियोल्स भी गिवन है, जो कि गलत है, एलिवियोलर वॉल्स ही आपका जो है करेक्ट आंसर। अस्थमा इज ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स, उसमें रिड्यूस होगी या डिग्रेडेशन ऑफ एलिवियोलर वॉल होगा, या ब्रोंचियोल्स कंस्ट्रिक्ट ड्यू टू मसल स्पैम्स या डैमेज ऑफ डायफ्राम। तो देखिए 33 मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे पता होगा ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, ब्रोंचियोल्स जो है कंस्ट्रिक्ट कर जाती है मसल्स स्पैम की वजह से, जिसकी वजह से जो आपका अस्थमा डिसीज जो है हो जाएगा, यानी कि अस्थमा डिसीज का जो मेन कॉज है वो ब्रोंचियोल्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से ऐसा होगा। इसी तरीके से देखिए अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स डेट रिमेन आफ्टर डीप ब्रीथिंग इज कॉल्ड, यानी कि वो एयर
जो कि लंग्स के अंदर जब हम लोग डीप ब्रीथिंग करते हैं तो डेड स्पेस, रेसिडुअल वॉल्यूम या वाइटल कैपेसिटी या वेंटिलेशन रेट, यानी कि अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में बची रहेगी जब हम लोग डीप ब्रीथिंग करेंगे, तो उसको हम लोग जो है किस नाम से कहेंगे, आपका जो है रेसिडुअल वॉल्यूम। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसका जो है आपका आंसर नंबर बी होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम इज़ द करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स। डीप ब्रीथिंग के बाद भी आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम जरूर बची रहेगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोटेक्ट द मोइस्ट मेम्ब्रांस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो मेम्ब्रांस होती है उसको कौन आपका जो है बचा के रखेगा, तो म्यूकस या सीलिया, ए सी शेप कार्टिलेज रिंग, या ए पिपली इपिडर्मल सरफेस यानी कि एक छोटी इपिडर्मल सरफेस, या कोई एक आपका जो है ग्लैंड ऐसा करेगी जिसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। तो देखिए आपका जो 35th क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका होगा म्यूकस और सीलिया जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को बचा के रखने का काम करेंगी, यानी कि ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से देखिए 36th क्वेश्चन है, बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड प्रेजेंट है। तो देखिए क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझते हैं, हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स जो ब्लड होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो 70% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, या 30% बाइकार्बोनेट होता है, कार्बोहीमोग्लोबिन इन आरबीसी में मूव करता है, या बाइकार्बोनेट फॉर्म ब्लड प्लाज्मा में मूव करता है, आरबीसी में मूव करता है, या फ्री कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड प्लाज्मा में मूव करती है। देखिए 36 क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा ये आपको पता होना चाहिए, हमारे ब्लड के अंदर जो बाइकार्बोनेट फॉर्म में ब्लड प्लाज्मा और आरबीसी के अंदर जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है जब वो जो है डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर है वो सी ही करेक्ट आंसर होगा, बाइकार्बोनेट फॉर्म इन द ब्लड प्लाज्मा और आरबीसी आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, यानी कि 36 का हम सी आंसर करेंगे। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे हम लोग, 37 क्वेश्चन, द एंजाइम विच टेक पार्ट इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर फाउंड इन, यानी कि वो एंजाइम जो कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे तो वो कहाँ पे जो है पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, वैक्यूल में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या साइटोप्लाज्म में। तो आपको पता होना चाहिए जो ग्लाइकोलाइसिस होता है आपका, ये जो है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर जो है टेक प्लेस करता है, तो यहाँ पे जो ऐसे एंजाइम जो कि ग्लाइकोलाइसिस में हेल्प करेंगे तो वो कहाँ पे होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर नंबर आपका करेक्ट होगा, डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा, साइटोप्लाज्म। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेशन, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेशन के लिए क्या चीज़ आपकी जो है इनकरेक्ट है, अबाउट 90% ऑफ CO2 इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट, स्मोकिंग लेड टू इप्सोसिमा, यानी कि आपको इनकरेक्ट बताना है इसमें से, वर्कर इन कोल माइनिंग फैक्ट्री सफर फ्रॉम ब्लैक लंग डिसीज ये इनकरेक्ट है, या न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द न्यूमेटिक सेंटर ऑफ द पोन्स इंक्रीज एक्सेलेशन, ये जो है आपका इनकरेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, आपको जो है इनकरेक्ट ऑप्शन आपको जो है बताना है। तो देखिए 38 का एक बार दोबारा मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन, जो हमारा ठीक है ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है जब ब्लड में, तो वो किस फॉर्म में मूव करता है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में मूव करता है, जो ये आपका जो है करेक्ट है। स्मोकिंग वजह से इप्सोसिमा होता है, ये भी मैंने आपकी अभी बताया, और ब्लैक कोल माइनिंग फैक्ट्री में जो लोग वर्क करते हैं उनको ब्लैक लंग डिसीज हो जाता है। तो यानी कि हमारा जो इस क्वेश्चन का जो आपसे पूछा है इनकरेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका जो है इनकरेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, बाकी सब आपके जो है करेक्ट आंसर्स हैं। तो न्यूरल सिग्नल न्यूमेटिक सेंटर के अंदर जो पोन्स के अंदर होते हैं वो जो है आपका इंक्रीज नहीं करता है ड्यूरिंग एक्सेलेशन, बल्कि वो जो है डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो कि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो 38 का डी, न्यूरल सिग्नल जब पोन्स से निकलते हैं तो वो जो है एक्सेलेशन के टाइम पे डिक्रीज होना चाहिए। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने जनरली इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया होगा, बट ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। इसी तरीके से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन का कौन सा कंपोनेंट जो है हीमोग्लोबिन में यानी कि ऑक्सीजन से बाइंड करता है, तो हेमी ग्रुप, नॉन हेमी ग्रुप, ग्लोबिन पार्ट, या आयरन मिलोटी जो है ये ग्रुप आपका जो है आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है आयरन मियोटी जो आपका आंसर है यही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 40, वॉल्यूम ऑफ लंग्स
इज इंक्रीज। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था लंग्स के लिए इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का, जब मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बताया था जिसमें किस तरह से जो है लंग्स के अंदर एयर जाएगी या किस तरह से हम लोग जो है एक्सपिरेशन करेंगे, तो उसका एक क्वेश्चन कराया था और काफ़ी बच्चों को इसमें जो है डाउट रहता है। अगर ठीक है आपको अपना डाउट ख़त्म करना है तो पहले लेक्चर जाके पूरा देख लीजिएगा, वहाँ से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज इंक्रीज द प्रेशर विल डैश एंड देयर विल बी, यानी कि जब वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज होगा तो प्रेशर में क्या वैल्यू होगी और उस केस में आपका क्या होगा। तो आपका ऑप्शन है डिक्रीज होगा, एक्सेलेशन होगा, फिर डिक्रीज होगा या इनहेलेशन होगा, या इंक्रीज होने से एक्सेलेशन होगा, इंक्रीज होने से इनहेलेशन होगा। तो आपको याद रखना है अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुई है तो आपका प्रेशर जो है वो हमेशा डिक्रीज होगा, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपको ये भी याद रखना है कि जब ब्लड के बॉडी के अंदर जब प्रेशर आपका कम हो गया है तो बाहर प्रेशर आपका ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, यानी कि इफ़ वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज़ इंक्रीज तो प्रेशर आपका डिक्रीज होगा और उस समय जो है हम लोग जो है गैस को जो है इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को हम लोग उस समय इनहेल कर रहे होंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी 14th का बिल्कुल करेक्ट है, पूरा कोर कंसेप्ट के साथ आपको इसको मैंने बताया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से देखिए इफ़ लंग्स आर लोकेटेड द लंग्स आर लोकेटेड इन द कैविटी एंड आर सराउंडेड बाई, तो लंग्स किस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और किससे जो है सराउंडेड होते हैं, तो एब्डोमन में होगा या पेरिटोरियम से कवर होगा, एब्डोमन पेरिक्रोनियम से कवर होगा, थोरेसिक में होगा, पेरिकार्डियम से कवर होगा, थोरेसिक में प्लूरल मेम्ब्रान के अंदर कवर होगा। तो देखिए 41 क्वेश्चन, अभी जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था हमारे लंग्स की जो कवरिंग होती है प्लूरल मेम्ब्रान होती है और हमारा जो लंग्स होता है वो थोरेसिक कैविटी में जो है सराउंड करता है, यानी कि लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी एंड सराउंडेड बाय प्लूरल मेम्ब्रान, आपका जो है करेक्ट आंसर। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट थैंक यू।